गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो चला हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चला हुआ है, और हम कहाँ पहुंच चुके थे पिछली क्लास में। हमने आप लोगों को दो तरीके के कॉम्बिनेशन बताए थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था और एक कौन सा कॉम्बिनेशन बताया था बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। हमने आप लोगों को कुछ ऐसे डायग्राम्स भी बताए थे, उनको हम किस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लासेस के अंदर बेटा हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में डिस्कस करेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन किसके अंदर बेटा, सीरीज के अंदर करेंगे। कि जब हमारे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन उनका अगर हमारा सीरीज है तो डियर स्टूडेंट्स टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। हम ये चीज तो पढ़ चुके थे कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो वहां टोटल रेजिस्टेंस हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोग अब ध्यान से देखेंगे। और जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो कौन कौन से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कॉन्स्टेंट होती हैं, और ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो डिफरेंट होती है, और ऐसे कौन से पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा देखो ध्यान से इसी को समझो। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीन रजिस्टर्स हम लेंगे, तीन का निकाल रहा हूं मैं आपका कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूं, मतलब इक्विवेलेंट या हम बोल सकते हैं नेट रजिस्टेंस, या हम क्या बोल सकते हैं बेटा टोटल बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इफेक्टिव बोल सकते हैं बेटा, या हम इस चीज को डियर स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं रिजल्टेंट बोल सकते हैं। तो मैं आज की क्लासेस के अंदर आप लोगों को इक्विवेलेंट या नेट या टोटल या इफेक्टिव रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंसों का निकाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर। ये आज हमारा मेन मोटिव है इस क्लास का। अब कह रहे सर ये क्या है भाई, एक अलग अलग नाम से पूछे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछे, कह लगे नेट रेजिस्टेंस बताओ, कह लगे टोटल बताओ, इफेक्ट बताओ, रिजल्टेंट बताओ, कुछ बच्चे इन्हीं नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं सीरीज के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास में तीन रजिस्टर्स हैं जिनका रजिस्टेंस, पहले वाले का रजिस्टेंस कितना है R1 है, और दूसरे वाले का रजिस्टेंस क्या बेटा R2 है, और तीसरे वाले का रजिस्टेंस कौन सा है डियर स्टूडेंट्स R3 है। तो दिख रहा होगा आप लोगों को ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। अगर ये एंड टू एंड कनेक्टेड है तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन कौन सा है पता है आप लोगों को, सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैंने सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए बेटा मैंने यहां पर क्या लगा दिए, क्या लगा दी बेटा मैंने सेल और बैटरी लगा दी। ठीक बेटा, सेल और बैटरी मैंने यहां पर लगा दी, और यहां पर मैंने लगा दी बेटा एक की करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को ये पहली ही चीज पहले ही शुरुआत में बता चुका था कि बेटा जो सेल जो होता है या जो बैटरी जो होती है वो क्या मेंटेन करती है डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। मान लो सेल और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, वी है। क्या बेटा, वी। अब जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा, मतलब जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा बाय प्रेसिंग द की, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। अब देखना यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर जहां पर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी या वो क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी।
तो आंसर ये है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, मेरी बात ध्यान सुन चला ना, जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर जो करंट जो होता है ना बेटा वो सेम होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर करंट सेम कैसे हो सकता है, तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, आप लोग इस चीज को एग्जांपल से समझोगे कि मान लो बेटा हमारे पास में ये एक पाथ दे रखा है, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट होती है। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज, टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट्स यहां एक पाथ दे रखा है और इस पाथ के अंदर डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहली बार में यहां पर मैंने लगा दिए पत्थर लगा रखे बेटा, यहां पर पत्थर है कुछ, फिर मैंने आगे वाले रास्ते में कुछ में क्या बिछा रखे बेटा, कुछ में मैंने कांटे बिछा रखे हैं, ठीक है बेटा। और अगले वाले में बेटा छोटे छोटे क्या है गड्ढे हैं इस तरीके के, ठीक है। यदि समझ में आई नहीं, इसका मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं, इसको इनको मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसको मान सकता हूं मैं R1, इसको मैं R2 और इसको क्या नाम दे दूं बेटा, मैं इसको R3 नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं बेटा, R3 नाम दे देता हूं, ठीक है बेटा। यहां है, ये है बेटा हमारा स्कूल, यहां पर हमारा स्कूल है जीवन ज्योति स्कूल, JJPS जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल, ठीक बेटा। यहां है हमारे पास में ये है बस स्टैंड है पलवल का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, ध्यान सुनना, यहां स्कूल में बच्चे कितने हैं, मान लीजिए स्कूल में एक्स्ट्रा के अंदर बच्चे बसते हैं 100 बच्चे होते हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं एंड जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है बेटा 100 है, और उनको जाना है बस स्टैंड जाना है, और पाथ कैसा है, ओनली यही रास्ता उनको गिवन है और कोई रास्ता नहीं है बस स्टैंड जाने का, मान लो कि यहां से उसे जाना है और बस स्टैंड पर पहुंचना उनको, ठीक है बेटा। ओनली कैसा पाथ है बेटा, वन पाथ है, ओनली क्या बेटा वन पाथ है। तो यहां से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या होगा, ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके अंदर एंटर करेंगे, कितने स्टूडेंट्स एंटर करेंगे डियर स्टूडेंट, जितने हैं उनको बस स्टैंड पे जाना सभी को, तो यहां से वो एंटर करेंगे। अब उनको कंकड़ लगेंगे, कंकड़ लगेंगे कोई बात नहीं, चाहे उनके हाथ पैरों में लगे कुछ भी लगे कंकड़ लगेंगे, वो सहन करेंगे, यहां 100 पहुंच गए, फिर क्या आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या मिलेंगे बेटा उनको, कांटे मिलेंगे, तो उनको कांटों को भी सहन करना पड़ेगा, कांटों को भी क्या करना पड़ेगा बेटा सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्या बेटा मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने क्या पहुंचना बेटा स्कूल से कहां पहुंचना, बस स्टैंड पहुंचना है, उनके पास में और कोई पाथ गिवन है नहीं, ओनली वन पाथ है। तो यहां से कितने या कितने स्टूडेंट्स थे, या कितने स्टूडेंट्स है, यहां से एनर्जी दी जा रही है, यहां से जा नहीं जाना है, तो यहां कितने स्टूडेंट्स एंटर करेंगे 100, तो भाई यहां से भी कितने स्टूडेंट है, यहां से वापस जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा, यहां से फोर्स लगा रखा है कि भाई आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, तो वापस आने का कोई चांस है नहीं, तो चाहे उनको क्या बेटा, चाहे उनको कंकड़ लगे चाहे पत्थर लगे चाहे उनको कांटे लगे, यहां पर भी कितनी वैल्यू रहने वाली है बेटा उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 100, जब यहां पर भी होंगे तो बेटा कितनी होंगी 100 होंगी, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब मैं मान सकता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 थे, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा 100 थे, जो स्कूल में थे, जो स्कूल में थे, जो मेन मेन कहां पर है, कितने थे स्कूल में भाई, उतने ही थे जाके कितने स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर कितने हैं 100 ही यहां से निकल के गए, 100 ही यहां से निकल गए, 100 ही यहां से निकल गए, क्या एन की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क पड़ा, चाहे वो R1 से जा रहे हैं, चाहे R2 से जा रहे हैं, चाहे किससे जा रहे हैं बेटा R3 से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वही चीज यहां पर इमेजिनेशन आपको करनी है कि जब यहां से हम सेल और बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, आई करंट फ्लो करके जा रहा है। अब यहां पर पाथ कैसा है भाई, एक ही पाथ है, पाथ तो एक ही है भाई, करंट कहां जाता है हाई पोटेंशियल से क्या जाता है बेटा लो पोटेंशियल पे जाता है। अब उस करंट को हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाने के लिए
कैसे पास जाना पड़ेगा उनके पास, उसके पास में पास कैसा बेटा, एक यही तो पास दे रखा, यही इसी पास से तो देवन करके जाएंगे, जैसे मैंने ये दे रखा है। ये क्या है, कंकड़ मान लो, कांटे मान लो, और इसको क्या मान लो, छोटे छोटे क्या मान लो बेटा, गड्ढे मान लो। अब उनको यहां से एनर्जी देनी है, आपको जाना ही जाना, हाई पोटेंशियल से क्या जाना है, लो पोटेंशियल जाना है। चाहे कंकड़ लगे, मैंने कितने भेजे यहां से, आई करंट भेजा, तो आई करंट यहां से जाएगा, आई करंट यहां से जाएगा, आई करंट यहां से जाएगा, और आई करंट ही यहां पहुंचेगा, जितना गया उतना ही तो वहां निकलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है सीरीज सर्किट में से, तो करंट की वैल्यू ईच रेजिस्टेंस में क्या होती है बेटा, सेम होती है। बड़ा खतरनाक पॉइंट नहीं है, बहुत आसान पॉइंट है, पर ये बहुत यूजफुल पॉइंट है। When the electric current passing through in the series circuit, it will remain same across each resistance. One of the important terms मैंने आप लोगों को ये बताई है। समझ में आ गया, ये सब एग्जांपल से आपको इमेजिनेशन कर लो इस चीज को, क्लियर? बात ही बात, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत सर, बहुत बढ़िया बात सर। कि मतलब क्या है कि सीरीज के अंदर जो करंट जो फ्लो जो कर रहा है R1 में, R2 में और R3 में, वो ही करंट फ्लो कर रहा है जो मेन सर्किट में से फ्लो कर रहा है। भाई मेन सर्किट में कितना करंट है भाई, ये कौन सा सर्किट है भाई, मेन सर्किट है, तो मेन सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, आई। तो आर वन में से कितना जा रहा है, आई। इसमें से कितना जा रहा है, आई। इसमें से कितना जा रहा है, आई। और यहां से कितना निकलेगा, आई। बहुत अच्छी बात सर, ये बहुत अच्छी बात समझ आई सर, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई भाई। ऐसी बताते रहिए इंटरेस्टिंग चीज, आप बस किस पर ध्यान दो, पढ़ने पर ध्यान दो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है बेटा। अब मुझे देखना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, अगर इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस वायर में से अगर फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस वायर में से जब फ्लो करता है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता लगाऊंगा, तो मैं वोल्ट मीटर लगा लूंगा। क्या लगा लूंगा बेटा, मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर यहाँ करंट कितना जा रहा है, आई। यहां मैं मान देता हूँ ये करंट आई, यहां मान देता हूँ, दिखा देता हूँ आई करंट को, आई। मैं क्या लगाऊंगा बेटा, वोल्ट मीटर लगाऊंगा। यहां पर वोल्ट मीटर लगा दूंगा एक, तो यहां वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ठीक है बेटा। यहां पर वोल्ट मीटर लगा दूंगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पर मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगा बेटा। यहां पर चेक करने के लिए यहां पर क्या लगा दूंगा बेटा मैं एक, यहां पर क्या लगा दूंगा बेटा मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। आप लोग इस चीज को ध्यान से ना, ठीक है बेटा। तो यहां के लिए मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ठीक बेटा, ये ठीक है बेटा। यहां से ऐसे वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ठीक है बेटा। यहां वोल्ट मीटर लगा रखे मैंने, वी वी वी। वोल्ट मीटर क्या मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करेगा। अब देखो वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है इन पॉइंटों पर लगा हुआ है, आर वन के इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, और आर टू के पर यहां कनेक्टेड है, और आर थ्री के पर यहां पर कनेक्टेड है। क्या रीडिंग एक जैसी आएंगी, अलग अलग आएंगी, बिल्कुल ही अलग अलग आएंगी भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कुछ और होती है। मान लो ये वी वन है, यहाँ पर लगाते तो रीडिंग अलग आती है इससे, तो ये वी टू है, और यहाँ पर कितना है बेटा, वी थ्री है। क्या बेटा, वी थ्री। और यहाँ टोटल रेजिस्टेंस इनकम क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम टोटल रेजिस्टेंस इनकम मान लेते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा उसको मिटा दूं यहाँ से, ठीक है। आपको ये तो चीज पता चल गई मैं क्या बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से भाई, देखो मुझे टोटल रेजिस्टेंस में इनका क्या मान लेता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, आर, ठीक है। तो जब टोटल रेजिस्टेंस आर है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का जो मेंटेन कर रहा है बैटरी, वो कितना है, V। तो टोटल रेजिस्टेंस R और अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V, कितना करंट फ्लो करके जाता है, I करंट फ्लो करके जाता है, और यही करंट R1, R2 और R3 में होता है, ठीक है भाई। ये चीज आप लोगों को समझ में आई है। दूसरी चीज, बट जब हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग आती है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना लगा रखा है सर्किट में, कितना लगा हुआ है, V लगा हुआ है। तो यहां कितना पोटेंशियल V1, यहां V2 और V3। एक कहानी ऐसे समझो, मान लो मेरे पास में
बीस रुपए हैं, मान लीजिए मेरे पास में दस रुपए हैं, ठीक है भाई, मेरे पास में दस रुपए हैं और मेरे से कोई मांगने आ जाए, पैसे मांगने आ जाए कोई, तीन बच्चे आ जाते हैं मेरे पास में पैसे मांगने के लिए, ठीक है, मेरे पास में दस रुपए हैं, क्या मैं उनको दस से ज्यादा दे सकता हूं, दस से कम दे सकता हूं? भाई जितने पैसे मेरे पास में उतने ही तो पैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, समझ रहे बात, नहीं समझ रहे? मान लो मेरे पास में दस रुपए हैं तो मैं एक को तीन रुपए दे दूंगा और एक को मैं चार रुपए दे दूंगा, और एक को कितने दे दूंगा बेटा, मैं चार तीन सात, और कितने बचे, एक को मैं तीन रुपए दे दूंगा, हो सकता है मैं दोनों को तीन दे दूं, एक को क्या दे दूं, चार दे दूं, या ऐसे हो सकता है एक को मैं दो दे दूं, एक को मैं तीन रुपए दे दूं और एक को मैं कितने रुपए दे दूं, पांच रुपए दे दूं, कितने रुपए दे दूं, पांच रुपए। तो सेम कहानी यहां पोटेंट डिफरेंस के साथ में होती है, या टोटल पोटेंट डिफरेंस कितना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड। ये चीज देखी गई, ये एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करके देखा गया कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मतलब जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ये एक इक्वेशन निकल के आती है जो मेरे हिसाब से डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, ये इक्वेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिख देता हूं, मेरी बात आप ध्यान सुनना, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर आई की वैल्यू सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है बेटा, अलग अलग होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में, उनका जो सम जो आता है वो मेन सर्किट में लगाई गई सेल और बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां पर आप क्या निकालो, सिर्फ और सिर्फ V की वैल्यू निकालो, V1 की वैल्यू निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो, इसी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ध्यान सुनो इस चीज को, यूजिंग ओम्स लॉ, क्या भैया ओम्स लॉ है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, यूजिंग ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V इज इक्वल टू क्या कहता है, आई इंटू में क्या कहता है R, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है I, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल करंट इनटू टोटल डिस्टेंस, भाई मैं अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा टोटल करंट होगा, टोटल ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब V इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आई आर आ गया। सिमिलरली मैं वी वन की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं बेटा, मैं वी वन निकाल रहा हूं यहां से, वी वन इज इक्वल टू यहां कितना करंट जा रहा है भाई, आई करंट जा रहा है सर, छोटा आई मान रखा है तो छोटा आई मान रहा है, तो आई ठीक बेटा एन टू में यहाँ रेजिस्टेंस कितना बेटा आर वन, वी टू की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताना, वी टू कौन सा रेजिस्टेंस क्या क्वेश्चन लगा हुआ है, आर टू के में करंट कितना जा रहा है आई, तो आई इन टू में क्या बेटा आर टू, एंड वी थ्री बराबर में क्या होगा बेटा, वी थ्री बराबर में क्या होगा आई इन टू में क्या होगा बेटा आर थ्री। इन सभी वैल्यूज को आप इस वाले रिजल्ट के अंदर रख दो, रखते हैं देखते हैं क्या रिजल्ट आता है जब इनको हम रखते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म में आप लोगों को ये समझा रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने इनको रखा तो क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू कितनी बता भाई, आई इंटू में आर, आई इंटू में क्या आर इज इक्वल टू, ये टोटल रेजिस्टेंस है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है, किसमें है टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज के अंदर, इसलिए मैं यहां पर एक अलग स्पेशल नाम लगा यहां लगा दूंगा, एक एस लगा दूंगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू, या वी वन, वी वन की वैल्यू कितनी बेटा आई इंटू में आर वन प्लस में आई इंटू में आर टू प्लस में आई इंटू में क्या बेटा आर थ्री है, तो आई को इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, आई को कॉमन निकाल लो, तो आई वन आर वन प्लस आर टू प्लस में क्या बेटा आर थ्री, और आई से आई को क्या कर दो कैंसिल, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके बराबर बचेंगे बेटा, आर वन प्लस आर टू प्लस में किसके होगा बेटा आर थ्री को, सर यही हमें चाहिए, यही हमने निकाल दिया, बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन निकल के आया है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर वो क्या होता है बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के होता है, टोटल रेजिस्टेंस
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर वन एंड आर थ्री किसके बराबर है, किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री के होगा। यही हम रिजल्ट आपको निकालना चाहते थे, निकलवाना चाहते थे। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई है? अगर मान लो फोर रेजिस्टेंस होते, चार रेजिस्टेंस होते, फोर अगर चार होते तो क्या लगा देते बेटा यहाँ पर, प्लस आर फोर लगा देते, फाइव होते तो आर प्लस में आर फोर प्लस में आर फाइव कर देते। फोर अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, एन फोर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो कैसे निकालोगे भाई, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश 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 प्लस में आर एन, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा भाई। आप लोगों को ये चीज समझ में आई? मैं भैया यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दोबारा से सुनो मेरी बात, कि जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो क्या चीज सेम होती है, क्या चीज सेम होती है, ध्यान रखना इस चीज को, क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में, और वो ही करंट फ्लो करता है जो मेन किसमें से फ्लो कर रहा हूं, मेन सर्किट से ड्रॉ हो रहा है, जो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, मेन सर्किट कौन सा, ये मेन सर्किट है, यहां से यहां तक का ये मेन सर्किट नहीं है, मेन सर्किट ये है, तो मेन सर्किट में कितना करंट है, आई है, तो वही करंट ईच रेजिस्टेंस में क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो रिमेंस कॉन्स्टेंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, अब इससे आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस आई को निकालने के लिए हम आप लोग ये वाला फॉर्म लगाओगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। अब कहें सर ये तो हमें पहले भी पता था, भाई ध्यान सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को टोटल ये आर कौन सा है बता, आप लोगों को ये इनका टोटल रेजिस्टेंस है, आप लोगों को मैं फिर बार बार बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे कुछ न्यूमेरिकल में चक्कर खा जाओगे तुम लोग, क्योंकि अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो न्यूमेरिकल आपसे पॉसिबल नहीं होंगे। जब करंट सीरीज में निकालना हो, चाहे आर वन में निकालना हो, चाहे आर टू में निकालना हो, चाहे आर थ्री में निकालना हो, करंट अगर निकालना है तो आप लोगों को वो वाले रेजिस्टेंस यूज नहीं करने हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि करंट ईच रेजिस्टेंस में वही करंट फ्लो होता है जो मेन सर्किट में होता है, तो मेन सर्किट में पोटेंशियल कितना है, वी लगा हुआ है, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और टोटल अगर करंट फ्लो कर रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस में से ही तो पास होकर के जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा हमारा, आर एस होगा, और जो करंट यहाँ पर आएगा वही करंट आर वन में, आर टू में, और किसमें होगा, आर थ्री में होगा। ये चीज आप लोग संबंध लेना इस चीज को। दूसरी चीज, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है, मान लो आपको ये तीन रेजिस्टेंस ऐसे गिवन होते, ठीक है, और मान लो तीन रेजिस्टेंस ऐसे गिवन हैं, और अगर ये गिवन है इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस आर टू के, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा भाई, करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है V1 is equal to क्या भाई, I into में R1, मैंने लिखा हुआ नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं potential difference V1 के across में निकालूंगा तो current तो वही use करूंगा जो main circuit में जा रहा है, और वो कैसे निकलेगा, I is equal to V upon में RS से निकलेगा, और resistance वही use करूंगा जिसके across में potential difference क्या करा गया बेटा, पूछा गया है। अगर मुझे R2 में, अगर मुझे R2 के across में potential difference निकालना है तो V2 बराबर में करंट तो वही रहेगा, मैं आपको बता चुका हूं, रेजिस्टेंस वो यूज होगा जिसके अप्रोच में पूछा गया है। ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल कीप कर लेना, इनको फिट कर लेना दिमाग में, ये स्लिप नहीं करनी चाहिए कि अगर करंट निकालना है R1, R2 और R3 में से तो वो वाला रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा, वो वाला रेजिस्टेंस वो यूज होगा जो इनका क्या निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा, और इनका टोटल कैसे निकल के आएगा, RS = R1 + R2 + में कैसे निकल के आएगा बेटा, R3 से निकल के आएगा। समझ में आया ये चीज, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे सीरीज में और करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आप लोगों को समझना आनी चाहिए। अब कुछ मैं इसके पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को, आई थिंक ये समझ में आ गया है। देखो भाई, मतलब यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस ऐसे दिए हुए हो, फिर बात एक चीज है, ये R2 है, मान लो ये 3 ओम है और ये क्या बेटा 6 ओम है,
इनका पूछा जाए इनका इक्विवेलेंट बताओ, इनका टोटल डिस्टेंस बताओ, क्या करना भैया मैंने क्या बताया था अभी फॉर्मूला निकलवाया था, क्या करना है सिर्फ आर वन प्लस में क्या करना है आर टू। तो आर इज इक्वल टू आर वन की वैल्यू कितनी है 3 ओम प्लस में आर टू की वैल्यू कितनी है भाई 6 ओम, कितना निकल के आ गया भैया। अरे सर ये तो बहुत आसान काम हो गया, 9 ओम आ गया, ये तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला लिखते हैं इसमें। ठीक ठीक है, तो भाई ऐसे ऐड करते हैं, अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस ऐसे होते, ये 12 ओम का, ये 48 ओम का होता, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस में यहाँ लगा देता हूँ मान लो 6 ओम का लगा देता हूँ यहाँ पे, ये तीनों के इसमें सीरीज में, तो कैसे निकालोगे, ये आर वन, ये आर टू और ये क्या भाई आर थ्री, तो कैसे करोगे भैया आर वन प्लस आर टू प्लस में क्या आर थ्री, डायरेक्ट इनको क्या करना है एड करना है, 6 प्लस 12 प्लस में क्या बेटा 48, ठीक है, ये कितना बन गया, ये बन गया 60, 60 प्लस में 6, तो ये बन गया भैया 66 ओम, कितना बन गया 66 ओम। अब देखो यहां से रिजल्ट और मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, देखो क्या यहां इनमें से इंडिविजुअल कौन कौन से हैं भाई, 3 ओम है और यहां इंडिविजुअल में क्या भैया 6 ओम है, 3 ओम और कौन सा बेटा 6 ओम, क्या यहां जो टोटल जो आ रहा है इनमें जो सबसे जो बड़ा है उससे भी बड़ा आ रहा है ये वाला, तो यही सीरीज की पहचान होगी कि वहां जो टोटल जो रेजिस्टेंस जो आएगा सीरीज के अंदर वो टोटल रेजिस्टेंस और उन इंडिविजुअल में से जो इंडिविजुअल में सबसे बड़ा है ना उससे भी क्या आएगा बेटा बड़ा आएगा। जरा देखना 6 12 48 में से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से 48 है, इनका टोटल कितने निकाला 66, तो इनका क्या टोटल जो सीरीज में निकल के आया जो इंडिविजुअल के 48 से बड़ा है, बिल्कुल सही। तो एक टर्म यहां पर बनती है इधर एल्जेब्रिक मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है घट रहा है, पहले 3 था फिर 6 था, इनका टोटल करके देखा कितना आ गया 9, या 6 था 12 था 48 था, सीरीज में करके देखा कितना आ गया 66, तो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है और कितना इंक्रीज होता है मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है भाई 3 और 6 को आप किसी भी तरीका से जोड़ लेना, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको नहीं आ सकता, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 3 और 6 का, चाहे इनको कैसे जोड़ लेना, पहले में जोड़ेंगे तो और बहुत कम हो जाएगा, वो मैं आपको पहले कभी कुछ बताया नहीं आपको, ये चीज समझो बस इतना आपको समझाया गया है। अब एक ध्यान देखो सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है उस चीज को मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखो ध्यान से भाई बहुत अच्छी चीज है बहुत समझने वाली चीज है, कि मतलब कि ये आर वन है और ये कितना भैया आर टू है और ये क्या भैया आर थ्री है, क्या रेजिस्टेंस लेंथ वाइज कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो रही है भैया यहां पर, इफेक्टिव लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, देखो पहले एक रेजिस्टेंस था उसकी इफेक्टिव लेंथ इतनी थी, ठीक है ये था इसकी इफेक्टिव लेंथ इतनी थी, ये था तो इसकी इफेक्टिव लेंथ इतनी थी, अब इन तीनों को कर दिया तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी बेटा, इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो गई, क्या हो गई इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज, इफेक्टिव लेंथ इज इंक्रीज, अगर इफेक्टिव लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना ही है, घटेगा तो है ही नहीं, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है उस कॉम्बिनेशन की उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज हो जाती है इफेक्टिव लेंथ, अगर इंक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अच्छा सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये चीज समझ में आई सर, एक न्यूमेरिकल और बता दो एक छोटा सा सिंपल सा जिससे हमारे जो पॉइंट्स हैं पिछले क्या हो जाए क्लियर हो जाए। अच्छा सर बिल्कुल बताऊंगा बेटा ध्यान रखना इसी को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मान लो ये एक 3 ओम का ही लेता हूं, मुझे पता है 3 ओम 6 ओम को करना बहुत आसान है, ठीक है, और ये मैंने यहां पर लगा दिया 18 वोल्ट का लगा दिया भाई, क्या लगा दिया 18 वोल्ट लगा यहां, ठीक है ये आई
मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं ऐसे छोड़ रहा हूं उसको, ऐसे करके छोड़ रहा हूं बस, की क्लोज है। पूछा जाए टोटल रेजिस्टेंस, भैया टोटल रेजिस्टेंस के लिए आर इक्विवेलेंट पूछ सकता है, आर इक्विवेलेंट बताओ या नेट बताओ, टोटल इफेक्ट बताओ। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? अरे सर ये तो बहुत सिंपल बात है, पहले इसको नाम दे दो आर वन, इसको नाम क्या दे दो आर टू। ये कितने का है? 18 वोल्ट का। कितने का है? 18 वोल्ट का। आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा बेटा? 3 प्लस में से, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया? 9 ओम। अच्छा सर ये तो हमें पहले पता था, आपने क्या बता दिया मुझे। अच्छा मैंने नहीं बताया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे कह लो भाई तुम। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा, अब मान लो आपसे कह सके करंट बताओ, एक प्यारा सा करंट बताओ, करंट अक्रॉस बताओ किसके, 6 ओम के बताओ, कि बताओ 6 ओम में कितना करंट जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बेटा अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको यूज नहीं करना है, आपको इनका टोटल वाला यूज करना है। कितना भैया? 9 ओम। वी कितना भैया? वी 18 वोल्ट। टोटल यूज भाई, टोटल रेजिस्टेंस अगर यूज करो तो टोटल रेजिस्टेंस कहां से लेना पड़ेगा? सेल और बैटरी से। तो लगा दो आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, बल्ले बल्ले हो गए। तो देखो V की वैल्यू 18 और R की वैल्यू कितनी? 9। तो कितना आ गया बेटा? 2 एम्पियर। तो यहां से कितना करंट जाएगा? 2। तो यहां से कितना जाएगा? 2। और यहां से कितना जाएगा? 2। अच्छा सर ऐसे होगा? बिल्कुल सर सही है। अब आपसे पूछा जाता है कि 3 ओम में बताओ, तो 3 ओम में भी आप ऐसे ही निकालते जैसे आप लोगों ने 6 ओम के अक्रॉस में बता दो, 6 का तो आपने यूज ही नहीं करा, आपने टोटल रेजिस्टेंस यूज करना है। अब कह रहे सर हमें V ओम निकाल दो। सर V अक्रॉस निकाल के दिखाना सर। तो अच्छा सर देखो V अक्रॉस निकाल रहा हूं मैं किसके? R1 के निकाल के दिखा रहा हूं। किसके निकाल रहा हूं? R1 के। जरा देखना V इक्वल टू क्या होता है? I into में क्या होता है भाई? V1 is equal to I into R1 होता है। तो V1 is equal to I की वैल्यू कितनी बेटा? 2 into में रेजिस्टेंस कितना दे रखा बेटा? 3। तो कितना आ गया भैया? ये कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। अच्छा सर 6 वोल्ट। जरा सा एक चीज बताना, V अक्रॉस बता देना किसके सर? R2 के। चलो भैया हम ये भी बताएंगे, आप लोग कह रहे हो तो भाई आपकी चल रही है ना, अब चल रही है तो चलने को आपको रोक नहीं सकते, बिल्कुल तुम्हारी बात माननी पड़ेगी भैया। देखो अब क्या होगा, V2 अक्रॉस, V अक्रॉस R2 बताओ क्या हो जाएगा भैया? V2 इज इक्वल टू I into में R2। मैंने यही चीज तो समझाई थी आप लोगों को। तो देखो ध्यान से क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी है भैया? कितनी वैल्यू है भैया आई की? सर 2 है। इन टू में सर रेजिस्टेंस कितना सर? 6। 12 वोल्ट। कितना था? 12 वोल्ट। अब जरा उस इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि क्या इक्वेशन वो ट्रू है गलत थी। कौन सी इक्वेशन लिखी थी मैंने आपको? V इज इक्वल टू V1 प्लस में क्या भाई? V2। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 18 वोल्ट का। बराबर V1 कितना निकाल दिया मैंने? 6। V2 कितना निकाल दिया? 12। तो क्या ये 18 वोल्ट बराबर में 18 वोल्ट के हैं? सर ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल भाई चमत्कार नहीं होगा, ये तो समझ में आना ही आना है कि V बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस के, जब रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड हो? सीरीज के कनेक्टेड हो। आई होप आपको ये सारी क्लासेस आपको समझ में आई है, नहीं आई है तो दोबारा से देख लो, फिर भी नहीं आई है तो मैसेज करो मेरे पास में, व्हाट्सएप पर ऑडियो डालो, कैसे भी करो, पर तुम मुझे ये जरूर बताओ कि सर समझ में आया नहीं है। मैं बार बार चला चला करके ऑडियो में बोलता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि बेटा आपको समझ में आया नहीं है, आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करी या नहीं करी, ये जरूर मुझे इन्फॉर्म करें आप लोग। तो बेटा ऐसा करने से हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपने काम करने में ब्लैक बोर्ड पर करने में बहुत मजा आता है। और मैं आपको बता देता हूँ ये मैं वीडियो गुड मॉर्निंग तो मैं बोल चुका हूँ, पर ये वीडियो बन रही है रात के 9 बजे बन रही है, ठीक है? तो भैया जय हिंद जय भारत, और आई होप आप इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दें, वरना डिसलाइक कर दें। थैंक यू बेटा।